हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हरजोत सिंह एंड आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये हमारी सेकंड वीडियो है न्यूजीलैंड वीज़ा सीरीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल बटन ऑन, सो वेन एवर आई एम गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट आई एम नॉट एनी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। द इन्फॉर्मेशन वट आई एम गोइंग टू गिव यू इज टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज I am in New Zealand from last 5 years, और जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, so whatever the information I am having, I will share with you guys. So let's start the video. New Zealand student visa में हमारा ये एक fee paying student visa है, जिसमें you have to pay your tuition fee by yourself. एंड ये वीज़ा आप ऑन शोर भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ शोर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप न्यूजीलैंड में हैं तब भी आप न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या आप न्यूजीलैंड से बाहर हैं, इंडिया में हैं, किसी और कंट्री में हैं, वहाँ से भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टे अंडर दिस वीज़ा इज़ फॉर 4 years, और ये एक फुल टाइम स्टूडेंट वीज़ा है। और इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्टडी फुल टाइम, जिसमें आपको अपने क्लासेस, अपने लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अगर आपका कोई आपके कोर्स में कोई प्लेसमेंट्स हैं, आपको वो पूरी अटेंड करनी है, क्योंकि इसमें व्हेन यू एट द फिनिश ऑफ सेमेस्टर आपकी जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है वो बहुत मैटर करती है इफ़ यू हैव टू अप्लाई फॉर द अनदर वीज़ा। सो इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग योर फैमिली हेयर, आप सबसे पहले आपका वीज़ा लगेगा, देन योर फैमिली कैन अप्लाई for their visa on your behalf, having you as a main principal applicant. And guys, I want to talk more about funds or fee. Immigration को एक चीज़ क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी होती है कि लेंथ ऑफ स्टे आप यहाँ पे हैं, आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए आप अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ। उसके लिए वो क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जब वीज़ा अप्रूव्ड होता है उसमें वो आपके कंडीशन लगा देते हैं, जिसे कहते हैं FTS, दैट्स कॉल्ड फंड ट्रांसफ़र स्कीम। उसमें आपको $1,250 पर मंथली हिसाब से, लाइक अगर आप एक साल का वीज़ा ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली $15,000 से $16,000 आपको आपके यहाँ आने से पहले वो आपको आपके पैसे न्यूजीलैंड में आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपके नाम से बनेगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। और जब आप न्यूजीलैंड में आ जाते हैं तो वो हर मंथली आपको $1,250 नियरली वो आपके अकाउंट में डिस्पेंस कर देते हैं, तो ताकि आपके सर्वाइवल के लिए, आपके रेंट के लिए, जितने भी आपके यहाँ पे नीड्स हैं वो आप उसको उस पैसे से फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों को पता नहीं चलता कि वो कितना होता है। ये होता है एक्चुअली, इन्होंने ऐसे बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए 15,000 से 16,000। देयर इज़ अ प्रॉपर चेक लिस्ट मेड बाई इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, जिसके बेस पर वो आपके फाइल को एक्सेस करते हैं, और मैंने कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं उसमें हम बात करते हैं। First of all, they will see your identity. For the identity, they will see your passport, and then it comes the health. Health के लिए वो आपको कह सकते हैं आपका X-ray, या फिर आपके blood test के लिए बोल सकते हैं to see your health status. Thirdly is character. For the character, they will see your PCC, which is police clearance certificate, जो कि हमें हमारे passport office से मिलता है. Genuine intention के लिए आप दे सकते हैं SOP is called like statement of purpose, जिसमें आपको बताना पड़ता है आप न्यूजीलैंड क्यों आना चाहते हैं और आपके यहाँ पे क्या प्लान्स हैं, आपकी स्टडी क्या है, वो आपके पुराने जो आपका बैकग्राउंड है उससे कैसे रिलेट करती है, या वो स्टडी करके उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप वो स्टडी करने के बाद जो आपकी टेंशन है वो क्लियर हैं, वो आप अपनी कंट्री, या आप इंडिया या आप कहीं से भी हैं, आप अपनी कंट्री में वापस जाएंगे। सो आपको उनको सेटिस्फाई करना होता है वीज़ा ऑफिसर को कि नो, योर टेंशन आर क्लियर, you want to study and you will go back to your country, or jaise bhi aapki intentions hai, you have to make it clear in that statement of purpose. And then it's offer of place is like your offer letter, which you will get it from your education provider. Sabse pehle offer letter ke hi base pe sara kuch hota hai, so you will get the offer letter from your provider, jisme ki sari information di hoti hai ki aapki length of study kitni hai, ki aapki semester fees kitni hai, kitne semester hain usme, aapke schedule jo vacations kab hain usme, sab kuch offer letter mein pura aapka jo study layout plan diya hota hai. Then it's your tuition fees ke liye aapko ट्यूशन फीस का जो पार्ट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि आप ऑन अप्रूवल ऑफ योर वीज़ा AIP, इफ़ योर AIP इज़ अप्रूव्ड विच इज़ कॉल्ड अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल, उसके बाद आपको आपकी फ़ी भरनी होती है। तो लाइक फॉर दैट यू नीड टू शो योर फंड्स, कि आपके पास इतने फंड्स हैं, या आपका जो स्टडी लोन पास है, या इफ़ यू आर हैविंग दैट मच ऑफ अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, या आपके मम्मी या पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। सो वो आपको पहले इमिग्रेशन को क्लियर करना होता है दैट यू हैव इनफ फंड्स टू स्टडी। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके फंड्स। स्टडी के लिए फ़ी एक अलग चीज़ है, जो फंड्स आते हैं, फंड्स जिसको हम कहते हैं शो मनी मीन लाइक यू हैव टू शो देम कि जितना भी टाइम, द स्पैन ऑफ टाइम यू आर लिविंग इन न्यूजीलैंड, आपके पास इनफ पैसा है या इनफ मनी है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं।
ऑनवर्ड ट्रैवल, ऑनवर्ड ट्रैवल इज लाइक ये न्यूजीलैंड ने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टार्ट किया है। ऑनवर्ड ट्रैवल में ये रहता है कि आपके पास ऑनवर्ड ट्रैवल टिकट होनी चाहिए व्हेन यू आर इन न्यूजीलैंड, या तो आपके पास वापस जाने के टिकट एडवांस में होनी चाहिए या आपके पास आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए दैट यू कैन बाय अ टिकट। And then medical and travel insurance, which is a very important part. I always insist कि अगर आप student visa पे हैं, New Zealand में हैं, you should always have your medical and travel insurance because it's very costly here if you have to pay by your own. So, but this is a very this is a condition on your visa that your your insurance should be always there with you when unless and until you are studying. और जो insurance का होता है actually most of the time जो आपको offer letter होता है इसमें आपके insurance का advance में दिया होता है, जो भी आपकी fee होती है उसमें आपके insurance का उन्होंने पहले ही पार्ट रखा होता है और उसमें व्हेन यू विल चेक योर ऑफर लेटर इट विल शो यू लाइक दिस मच ऑफ इंश्योरेंस, जो भी आपकी वो जो कि आपकी वो फीस में ही ले लेते हैं। देन आफ्टर दिस पेरेंट और लीगल गार्डियन, अगर आप 18 से कम हैं तो योर पेरेंट एनी ऑफ योर पेरेंट कैन ट्रेवल विद यू, बट इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो हम बनाएंगे या आप इसका न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर फैक्ट शीट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फुल टाइम वेकेशन वर्क राइट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर स्टूडेंट को होता है कि हम काम कब करेंगे। आप फुल टाइम काम तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव ए स्केड्यूल वेकेशन, जो कि आपके ऑफर लेटर में दिया होता है। ऐसे ही आपको 20 आवर्स अलाउड होता है पर वीक काम करना। अगर आपके पास इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव अ स्टूडेंट वीज़ा, अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट वीज़ा है और आप न्यूजीलैंड में हैं, या अगर आप स्टडी चेंज करना चाहते हैं या आप कोई और स्टडी लेना चाहते हैं, अगर आपने स्टडी चेंज करनी है देन देयर इज अ वीज़ा विच इज़ नोन एज VOC वेरिएशन ऑफ कंडीशन, वो वीज़ा लगा के आप अपनी नई स्टडी के साथ उसको रेलिवेंट करके कि आपकी जो नई स्टडी है वो आपके पुराने एक्सपीरियंस के साथ कैसे कनेक्ट करती है, तो आप न्यू स्टडी ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको VOC अप्लाई करना पड़ता है, दैट्स वेरिएशन ऑफ कंडीशन। तो दैट्स मोस्टली फॉर दोज पीपल वो आर ऑन शोर, जो कि ऑलरेडी न्यूजीलैंड में है। अगर आप इंडिया में हैं तो सबसे पहले आप जैसे किसी कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर करना देना चाहता हूं कि कंसल्टेंट के बिहाफ पे कभी वीजा नहीं लगता है, वीजा हमेशा आपकी प्रोफाइल पे लगता है, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तब वीजा लगेगा। ये कभी भी मैटर नहीं करता कि वो कंसल्टेंट कितना स्ट्रांग है या उसका इमिग्रेशन में क्या रेपो है, वैसे उस बिहाफ पे कभी भी वीजा नहीं लगता। वीजा विल बी ऑलवेज ग्रांट ऑन योर प्रोफाइल, ये बात समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली, कोई भी स्टडी जो आप लेते हैं आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, उसकी सर्च आपको करनी है। आपने कंसल्टेंट से ये चीज़ नहीं पूछनी है कि मैंने कौन सी स्टडी पे जाना है, क्योंकि वो आपको उसी स्टडी पे भेजेंगे वो यहाँ पे जिसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। सो प्लीज स्टडी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, 95% ऑफ द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर यू हैव रिक्वायर्ड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इमिग्रेशन वेबसाइट। सो प्लीज इमिग्रेशन वेबसाइट जरूर चेक कीजिए, अब मैं लिंक देर डाल दूंगा इसमें, अब वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर योर वीज़ा, उसके बाद क्या होता है, आपने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन कर सकते हैं या पेपर कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम योर कंसल्टेंट वी ऑलवेज अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद क्या होता है कि यू हैव टू व्हेन यू हैव अप्लाइड योर वीज़ा, उसके बाद आपको एक ईमेल आती है जिसमें कि आपको आपका पासपोर्ट सेंड करने के लिए बोला जाता है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में, जो कि इंडिया में आप जो भी आपके पास में है वहाँ भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं या मुंबई भेज सकते हैं। उसके लिए आपको VAC के थ्रू अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए, वो देखते हैं कि ये पासपोर्ट जेन्यून है, तो आपका पहले पासपोर्ट वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद आपको आपका वीज़ा मिलेगा। अगर आपको वीज़ा मिलता है तो वो उसके बाद मिलता है। आपको 747 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं जो पासपोर्ट फ़ी होती है, जो आपकी VAC के थ्रू जाता है आपका पासपोर्ट, ठीक है, तो उसके लिए 747 रुपीज़ फ़ी होती है, उसमें आपका पासपोर्ट वहाँ पर वेरीफाई होकर वो भेज भी देते हैं। उसके लिए वेबसाइट है जो है www.vfsglobal.com, जो जिसमें आप इन पर्सन भी जा सकते हो, खुद भी जाके लेके जा सकते हो या उसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर कि अगर आप किसी एक कंसल्टेंट से वीज़ा डाल रहे हैं, सो प्लीज़ बी श्योर कि वो एक ऑथेंटिक कंसल्टेंट है और उसको उसकी नॉलेज है, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट खुद वीज़ा नहीं डालता है, उसको आगे इमिग्रेशन एडवाइज़र्स जो कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, जिन्होंने कोर्स किया होता है इमिग्रेशन का, वो उनसे ही डलवा सकते हैं, कोई भी खुद अपने बिहाफ पे नहीं डालता है। तो श्योर कि आप उसको उनको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई भी मिसलीडिंग ऐसी चीज़ नहीं दे रहे, कि ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो ये इसके जो आउटकम्स बहुत बुरे रहते हैं। सो प्लीज़ कोई गलत फेक चीज़ मत डालिए, हमेशा बी लॉयल और अपना जो आप स्टडी लेने जा रहे हो उसकी अच्छी तरह रिसर्च कर लीजिए। ज़्यादातर इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं वो ही होते हैं जो आपके स्टडी के अराउंड होते हैं, आपने क्या क्या अप्लाई किया है, आपकी फाइनेंशियल, इंडिया में जब तक आप इंडिया से वीज़ा लेते हैं तब तक आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड वेयर इन यू आर व्हेन यू केम टू न्यूजीलैंड, यहाँ पे आप वीज़ा बहुत ईजिली डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको
आपके नेक्स्ट वीज़ा एजुकेशन के लिए जो आपके प्रोवाइडर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं इमिग्रेशन के साथ, वो खुद ही आपका वीज़ा, आपका एजुकेशन प्रोवाइडर्स खुद ही डाल देते हैं और वो वीज़ा 2 से 3 दिन में आ जाता है। बट उसके लिए आपको अनश्योर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका वीज़ा सेंक्शन हो जाता है तब आपको AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल की एक लेटर आती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, बट आपको उसके लिए सबसे पहले अपनी फ़ी जो है इमिग्रेशन जो न्यूजीलैंड में पे करनी है। सो देन आपको आपकी फ़ी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है यहाँ पे अपने कॉलेज में, और आपके जो FTS होता है, अगर आपको FTS के साथ आता है आपका वीज़ा, तो आपको FTS अपना ट्रांसफ़र करना पड़ता है। देन उसके बाद आपका जब ये हो जाता है आपको अपनी रिसिप्ट भेजनी पड़ती है इमिग्रेशन में, और देन उसके बाद आपका जो फाइनल वीज़ा होता है वो पेपर वीज़ा आपको रिसीव हो जाता है। तो अब न्यूजीलैंड ने स्टैम्प वीज़ा से पेपर वीज़ा कर दिया है। सो यू विल गेट अ पेपर एंड इट इज क्लियरली रिटन कि आपका क्लाइंट नंबर क्या है, आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव है, और आप कब न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। आप उसी डेट में ट्रैवल कीजिए जो डेट में आप अपनी टिकट कभी भी पहले बुक मत करवाएं, हमेशा उसी डेट में ट्रैवल कीजिए जो आपके वीज़ा पे लिखी हुई है कि आप इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर्स पे आते हैं आपको बॉर्डर कंट्रोल कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछते, वो यही पूछते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, आपकी क्या स्टडी है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने वीज़ा के लिए दी है वो आपको होनी बहुत ज़रूरी है। When you get your visa, उसके बाद जब आप न्यूजीलैंड आ जाते हैं उसके बाद आपने क्या क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट कैसे यहाँ ओपन करना है, आपने उसके बाद अपना IRD नंबर कैसे अप्लाई करना है, उनके लिए हमारी जो नेक्स्ट सीरीज इस सीरीज़ में वीडियोस आएंगी उसमें मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, आप प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इज एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट कमेंट डाउन, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप पोस्टिंग मी योर वैल्यूएबल कमेंट्स, एंड आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून इन न्यूजीलैंड। थैंक यू।